आप देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की कई जगहों पर तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। इस समय बीकानेर से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बीएसएफ का जवान रेत पर पापड़ सेकता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ रेत इतनी गर्म है कि पापड़ महज कुछ ही सेकंड में सिक गया। सेना के जवान पापड़ को तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। इस भीषण गर्मी के दौर में जैसलमेर के देगराय ओरन क्षेत्र में जल विभाग द्वारा पानी की सप्लाई नहीं हो रही और गर्मी इतनी पड़ रही है, जिसकी वजह से क्षेत्र के सभी तालाब सूख चुके हैं। ऐसे में 125 फीट गहरी बेरिया के तट पर महिलाएं अपनी जान जोखिम में डालकर उन बेरिया से पानी निकाल कर अपनी और अपने परिवार की प्यास बुझा रही है। जिले के देगराय ओरन क्षेत्र में कुल 35 तालाब है, इनमें से 32 तालाब सूख चुके हैं। लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। चुनाव आयोग की अनुमति के बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 7 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी किया जाएगा। बोर्ड ने 19,000 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के कारण परीक्षाओं का परिणाम जारी नहीं हो पाया था। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को स्टार प्रचारक के द्वारा अपने भाषण को सही करने, सावधानी बरतने के लिए औपचारिक नोट जारी करने के निर्देश दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने दोनों पार्टी के नेताओं को मर्यादा बनाए रखने को भी कहा है। स्वाति मालीवाल मामले को लेकर बीजेपी ने आज यानी बुधवार को दावा किया कि इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से सीसीटीवी फुटेज का गायब होना और विवेक कुमार की गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट और अपने सहयोगी को बचाने के उनके प्रयासों को दर्शा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। कई तथ्यों का खुलासा नहीं करने के लिए सोरेन को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उनके वकील कपिल ने याचिका वापस ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की गिरफ्तारी रद्द करने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया। बिहार की करकट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। पवन सिंह करकट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह पर अनुशासनहीनता और दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए यह कार्रवाई की गई है। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आदेश से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। बांग्लादेश से इलाज कराने कोलकाता आए सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद अनुवारुल अजीम बुधवार को मृत मिले। बताया जा रहा है कि सांसद की मौत में कथित रूप से 3 लोग शामिल है। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच एक संयुक्त टीम द्वारा शुरू कर दी गई है। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है, तब ये ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। इंडिया गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी। सुनिए मोदी ने क्या कुछ कहा। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। हमारा देश 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये इंडी वालों को राम मंदिर और राम से परेशानी है। सपा के एक बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, बेकार। सपा खुलेआम कहती है राम मंदिर जाने वाले राम भक्त पाखंडी है, पाखंडी। एक और इंडी नेता ने कहा राम मंदिर अपवित्र है। ये लोग सनातन धर्म के विनाश करने की बात करते हैं।
और इन सब की आका कौन है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, मैं मंडी लोकसभा क्षेत्र में हूं और यहां एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। मुझे पूरा विश्वास है कि विक्रमादित्य सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे और हिमाचल में चारों सीटें पर हमारे उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। देश में भी बदलाव का माहौल है। सुनिए पायलट ने क्या कुछ कहा। मंडी लोकसभा क्षेत्र में है और यहाँ पर एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और एक नौजवान हमारे साथी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि विक्रमादित्य भारी बहुमत से इस लोकसभा क्षेत्र जीत कर जाएंगे और हिमाचल में चारों सीटें हैं, चारों सीटों पर हमारे उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। देश में भी आज माहौल जो है बदलाव का माहौल है और मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ जहाँ कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार बेहतर परफॉर्म करेंगे, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड, हिमाचल, हर जगह। और इंडिया अलायंस के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। 4 जून को जब मतगणना होगी तो हमें लगता है कि एक बदलाव का जो एक माहौल बना हुआ है वो सचमुच साबित होगा और हम लोग एक सरकार बनाने में कामयाब। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।